मंदिर का स्पेस है, फर्स्ट बेडरूम है। जिस फिट की रोड आपको घर के सामने मिलेगी, इजली आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मॉड्यूलर किचन में आपको मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ अटैच आपको यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जानकीपुरम गार्डन में गेटेड सोसाइटी में घर दिखाने वाली हूँ। लोकेशन बिल्कुल प्राइम है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या हमें मिलने वाला है, क्या देखने वाले हैं, प्राइस क्या है, सारी चीज़ें जानते हैं। और अमित जी हैं मेरे साथ। हेलो अमित जी। यस मैम जी। लोकेशन मैम, ये लोकेशन सेंट मैरी से आप आएंगी कुर्सी रोड पे तो अज्ञाजी तरहा पड़ता है। ये पूरा जानकीपुरम गार्डन लगता है, वहाँ से हार्डली मैन रोड से आप 50 मीटर अंदर आएंगी, आपको बरसाना सोसाइटी हमारी मिल जाएगी आपको जी। और यहाँ पे आप क्या क्या देने वाले मैम? यहाँ पे आप देखेंगे पूरी गेटेड सोसाइटी में हम आपको सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड, सीसी रोडे, स्ट्रीट लाइट है, सारी चीज़ें कंप्लीट देंगे हम यहाँ पे। ट्रांसफार्मर लग चुका हुआ, लाइट भी आ गई है अंदर। चलिए, गेटेड सोसाइटी है पूरी, 17-18 घरों का प्रोजेक्ट है ये। आइए अंदर आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कितने मतलब स्क्वायर फीट का घर मिलने वाला है, क्या है यहाँ पे? आपको 936 स्क्वायर फीट स्टार्टिंग है, फिर 1000 है। हाँ। और 1100 है, 1200 है, 1400 है, इस टाइप में। मतलब जो सबसे छोटा है वो 936 है। बिल्कुल। और मेन रोड आपने कितनी चौड़ी बताई मैम? ये तो आपकी एंट्रेंस रोड 40 फीट की है, ये वाली आपकी 25 फीट की रोड है, सीसी रोड। जो घर के सामने रोड मिलने वाली है 25 फीट की मिलने वाली है। तो देख सकते हो 25 फीट की रोड आपको घर के सामने मिलेगी। चलिए, कोई घर है दिखाने के लिए? ये वाला देख लीजिए, ये घर रेडी है। एलिवेशन देख लीजिए बाहर से, एंड आसपास का लोकेशन आप देख सकते हो, पूरी सब तरफ फैमिलीज रहती है। तो ये 1140 स्क्वायर फीट का ये घर अभी आप देखने वाले हो, 2 BHK का। ऑलरेडी ये सोल्ड आउट है, बट हम दिखा रहे हैं, इसे कोई एज अ ऑफिस यूज़ कर रहा है तो हम इसे दिखाने वाले हैं। एंड टफिन ग्लासेस अभी यहाँ पे लगना बाकी है, बाकी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और घर में मतलब क्या क्या देने वाले हैं? समर शेबल भी दे रहे हैं, बाकी आपको सेफ्टी टैंक वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है इसमें। घर के सामने जैसे आपको बताया 25 फीट रोड है, काफ़ी बड़ा पोर्च एरिया है, 11x19 का। 11x19 का आपको पोर्च एरिया मिल जाता है जी। देख सकते हो आप, इन्वर्टर के लिए इधर स्पेस, कोई भी गाड़ी होगी कितनी भी बड़ी इजली आपकी यहाँ पे आ जाएगी। एंड इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है, जहाँ आप अपनी मतलब कवर्ड है तो आप वॉशिंग मशीन और काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, टू व्हीलर पार्क भी कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्च एरिया है, 2 एंट्री आपको मिलती हैं डबल डोर के साथ, आप देख सकते हो मॉस्किटो नेट के साथ आपको डबल डोर मिल जाता है। आते हैं, ये है आपका हॉल, एंट्री करते ही आपको ये हॉल मिल जाता है आपका। तो जैसा आप यहाँ पे वर्क देख रहे हो, पीवीसी पैनल का वर्क इस तरफ किया गया है, इस तरफ वॉलपेपर लगा के, एंड विद फॉल सीलिंग, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ आपको मिलने वाली हैं। एंड इस तरफ भी पूरा ये पीवीसी का वर्क किया गया है, विंडो आप देख सकते हैं इस तरफ। तो काफ़ी अच्छा स्पेस, मतलब हॉल का स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टीवी आप इस तरफ लगा सकते हैं, टीवी का प्रोविज़न इस तरफ हो जाएगा। तो ये आपका डाइनिंग स्पेस है, इस तरफ इजली आपकी 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, पूरे घर में फॉल सीलिंग की हुई है, एंड फॉल सीलिंग पे जितनी भी लाइटें हैं, पूरी लाइट्स को अगर काउंट किया जाए तो लगभग 60 लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं। और सारी जो लाइट्स हैं ये सब ब्रांडेड हैं, फिलिप्स की पूरी लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। बाथरूम की जो भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं सारी जैगवार की हैं, जो भी स्विचेस हैं, वायर्स हैं, ये सब हैवल्स के हैं। एंड जो भी टाइल्स हैं, टाइल्स जो आप देख रहे हैं सब कजारिया की यहाँ पे लगाई गई हैं। तो सभी ब्रांडेड चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का स्पेस है, यहाँ पे पूरा बना के आपको दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पे आपको स्टोरेज का स्पेस भी मिल जाता है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह रखी भी है, स्टोरेज का पूरा स्पेस है इस तरफ। अच्छा, मतलब आपका काफ़ी अच्छा स्टोरेज का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इस तरफ ही आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाती है, मॉड्यूलर किचन में आपको चिमनी लगा के मिलती है। इस तरफ आपको डबल डोर वाली विंडो मिल जाती है, अगेन वेंटिलेशन रहेगा, प्लस आप बाहर भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एंड काफ़ी स्मूथ आपको डोर्स वगैरह मिल जाते हैं मॉड्यूलर किचन में। एंड ये आपके आपका ये पूजा स्पेस हो गया, ये आपके 2 बेडरूम हो गए। बेडरूम से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक कॉमन टॉयलेट आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए कॉमन वॉशरूम, ऊपर तक आपको टाइल्स लगा के मिलता है। यहाँ पे आपको OTS मिल जाता है, OTS के साथ ही यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा के मिल जाता है। तो चलिए ये बेडरूम आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, कॉर्नर का घर है ये,
एंड पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे इस तरफ विंडो मिल जाती है, गेटेड सोसाइटी है एंड पीछे वाली रोड आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी मतलब हर जो भी घर होगा, जैसे लोगों का रहता है कि बेडरूम में वेंटिलेशन नहीं रहती है, तो बेडरूम में आपको इजिली वेंटिलेशन मिलेगी क्योंकि पीछे की तरफ भी आपकी सोसाइटी की ही रोड है। यहाँ भी आपको मॉस्किटो नेट के साथ विंडो मिल जाता है, फुली वेंटिलेटेड आपको रूम मिलता है। इस तरफ की वॉल आपको वॉलपेपर लगा के मिलेगी, पीवीसी पैनल, एक वॉल पे आपको पीवीसी पैनल करके मिला है, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं प्लस, एंड इस तरफ आपको वार्डरोब मिल जाता है, मतलब पूरा सेमी फर्निश्ड टाइप घर है। हाँ, ये आपकी वार्डरोब है, देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पेशियस वार्डरोब है, फुल हाइटेड वार्डरोब मिल जाती है इस तरफ। आइए सेकेंड रूम में चलते हैं, ये आपका सेकेंड बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। तो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, फॉल सीलिंग आपको मिलती है, डिफरेंट फॉल सीलिंग है, मतलब यहाँ की फॉल सीलिंग अलग है, उस रूम की अलग है। यहाँ भी आपको फुल हाइट की वार्डरोब यहाँ पे मिल जाती है, सेम टू सेम जैसी वहाँ पे आपने देखी थी, फुल हाइट की ऊपर तक वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस तरफ आपको पीवीसी पैनल करके मिलता है, एंड अगेन यहाँ पे विंडो मिलती है जो कि आपकी उस तरफ से अटैच है विद मॉस्किटो नेट के साथ मिल जाती है, एंड अटैच आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की फिटिंग्स वगैरह सब आपकी जैगवार की है। तो हाउस आप देख चुके, चलिए ऊपर से दिखा देती हूँ आपको एक बार। हम लोग ऊपर आ चुके और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है, मतलब बहुत अच्छा आप यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हो, स्टोरेज है या वैसे भी बैठ भी सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस है, ठंडी हुए टाइम पे तो आप आराम से यहाँ बैठ भी सकते हैं। तो ये छत पे आ गए हैं हम, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ का एरिया पूरा, ये मेन रोड आपको बिल्कुल सामने दिख रही है, मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ ही ये प्रोजेक्ट है। तो हाउस टूर हमने कर लिया, अब इसका रेट बताइए, रेट बताइए, और जो सबसे छोटा घर है उसका क्या प्राइस है? मैम उसका प्राइस है 55 लाख रुपए। 936 स्क्वायर फीट वाला जो घर है उसका प्राइस है 55 लाख रुपए, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग है 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, मतलब प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे घर का रेट है 6,000, और सारी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं घर कैसे बने हुए हैं, पिलर बेस्ड घर है, कभी आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना चाहें इजली करा सकते हैं। तो रेडी टू मूव घर अगर आप देख रहे हो तो वो भी हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घर भी हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या है कि अगर आप पेंट है, कोई वॉलपेपर का कलर है या फॉल सीलिंग है, कुछ अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहें तो वो सारी चीज़ें भी आप करा सकते हैं। एंड बाकी नगर निगम में एरिया आता है, सारी फैसिलिटीज़, सारे स्कूल कॉलेज ये जो भी हैं सारी चीज़ें आसपास ही हैं। तो एक बार विज़िट करके आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छी लोकेशन पे तुरंत रहने के लिए घर देख रहे हैं तो एक बार इस प्रोजेक्ट पे विज़िट करके आप लोग ज़रूर देखिए। एंड बाकी की डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।